वेलकम स्टूडेंट्स टू आर चैनल गुरु सज्जाद, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर की पैटर्न। लेटर आज के ज़माने में हमें से कोई भी नहीं लिखता, बट हमारे एग्ज़ाम्स में, आपके बोर्ड्स में, चाहे वो NIS बोर्ड हो, ICSE हो, CBSE या वेस्ट बंगाल 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में लेटर एक मस्ट हो जाता है, जिसमें आपको 10 मार्क्स एक्वायर करने पड़ते हैं। हमारे चैनल पे आपको एक ऐसी पैटर्न बताई जाएगी जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप आराम से 50-60% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले ही बात ये आती है दैट एक इनफॉर्मल लेटर होती क्या है। इनफॉर्मल लेटर उसे कहते हैं जो आप एक पर्सनल लेटर लिखते हो किसी भी अपने इंसान को, किसी भी लव्ड वन को, वेदर इट इज़ योर फ्रेंड, योर फैमिली। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स दैट आर रिटन टू लेट योर फ्रेंड्स और फैमिली नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड टू कन्वे योर रिगार्ड्स। एन इनफॉर्मल लेटर इज़ यूजुअली रिटन टू अ फैमिली मेम्बर, अ क्लोज एंटीक्वेट्स और अ फ्रेंड। द लैंग्वेज यूज इन एन इनफॉर्मल लेटर इज़ कैजुअल एंड पर्सनल। तो इनफॉर्मल लेटर में आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल या ऑफिशियल वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। इनफॉर्मल लेटर हमेशा कैजुअल होती है। इसमें आप कन्वे करते हैं अपने रिगार्ड्स, आपकी जो रोज़मर्रा की जो बातें होती है कि आपको कुछ घट रहा है, बर्थडे आप अपनी फैमिली से मांगे, या कोई डिस्कशन जो आप अपने फ्रेंड के साथ करते हैं अबाउट एनी पिकनिक और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये सिर्फ आप अपने प्यारों को लिखते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, कज़न्स हैं, मम्मी पापा, अंकल, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ लेटर। सो एक लेटर को स्टार्ट कैसे करें। The two most important thing in a letter is that to whom you are writing the letter and what is the matter of the letter. जैसे कि एक sample letter है जिसमें लिखा है write a letter to a friend about arranging a get together. तो इसमें जो friend है इसे आप letter लिख रहे हैं, और जो get together है इस topic पे आप letter लिख रहे हैं। तो जिन लोगों को कभी कभी दिक्कत होती है कि अरे हमें letter लिखना किसे है, या letter का topic क्या है, किस विषय पे letter लिखेंगे, तो आपको ये message आपके question में ही मिल जाता है। सबसे पहला जो solution रहता है उस वो आपके question से ही हल हो जाती है, that you are writing a letter to your friend and the टॉपिक और द बॉडी ऑफ दिस लेटर विल बी द मेन पार्ट इज अरेंजिंग अ गेट टुगेदर। आपको एक गेट टुगेदर कर रहे हैं और उसके विषय में आपको अपने फ्रेंड से डिस्कशन करना है कि ये गेट टुगेदर कैसे करें और कब करें। सो ये लेटर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एड्रेस के साथ। इसमें एड्रेस होता है सेंडर का। ये लेटर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये स्टार्टिंग पार्ट है लेटर की और ये लास्ट पार्ट है लेटर की। तो इससे हम लोग लाइन बाई लाइन समझेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है जो आप एक लेटर में लिखते हैं वो एड्रेस, और एड्रेस होती है सेंडर की। जो इंसान या जो शख्स लेटर लिख रहा है, यहाँ एड्रेस उस शख्स की होती है। हमने यहाँ एड्रेस दिया हुआ है 8 मैकलॉड स्ट्रीट, कोलकाता 17। उसके बाद एड्रेस देने के बाद आपकी एड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 लाइन्स की हो सकती है। 3 लाइन से ज़्यादा आप एड्रेस एक्सीड नहीं कर सकते। आफ्टर एड्रेस आपको एक लाइन की स्पेस देनी है और आप डेट मेंशन करेंगे। यहाँ डेट मेंशन होती है उस डेट की जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे लेटर प्रैक्टिस करके जाते हैं और डेट के कॉलम में प्रैक्टिस वाली डेट लिख देते हैं, बट आप ऐसी गलती ना करें। जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा या जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, आपको उसी दिन की डेट मेंशन करनी है। ये जो भी मैंने हाईलाइट में लिखा है ये आपको नहीं देना है, ये जस्ट आपको दिया गया है फॉर द स्पेसिमेन, जिससे आप समझ ले। आफ्टर द डेट आपको ग्रीटिंग देनी है आप जिससे भी लेटर लिख रहे हैं। अगर आप अपनी मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर जैसे अंकल आंटी को लिख रहे हैं तो आप डियर मॉम, डियर फादर, डियर अंकल एंड आंट लिख सकते हैं। बट इफ़ यू आर राइटिंग इट टू अ फ्रेंड यू कैन मैंशन द नेम ऑफ योर फ्रेंड, लाइक जैसे हमने यहाँ लिखा है डियर अक्षा। देन वी आर कमिंग टू द बॉडी पार्ट। बॉडी में आपकी टोटल 4 पार्ट्स होती है। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, टॉपिक एंड द मेन बॉडी। अब इस इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले आप हाल चाल पूछेंगे जिसे भी आप लेटर लिख रहे हैं। हम अपने आने वाले वीडियो में आपको 5-6 इंट्रो ओपनिंग सेंटेंस लिखाकर आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे, जिसमें से आप बस उसे पैटर्न देख ले, उसे याद करके चले जाए, तो आप 50-60% मार्क्स लेटर में ऐसे ही एक्वायर कर लेंगे जस्ट ये वीडियो को फॉलो करते हुए। भले ही आप बॉडी पार्ट्स लिखे ना लिखे, आपको जितने भी स्टार्टिंग कॉलम्स होती है, ग्रीटिंग्स होती है, टॉपिक कैसे लिखना, कंक्लूजन कैसे लिखना, ये हम हमारी वीडियो में आपको अच्छे से बता देंगे, बोथ इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो आइए इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले आप ग्रीटिंग देंगे दैट आई होप
यू आर कीपिंग वेल एंड एवरी वन एट होम इज कीपिंग सेफ एंड हेल्थी. इस लाइन में आप हालचाल पूछ रहे हैं अपने दोस्त के लिए. आप इसमें बहुत सारी लाइन्स को चेंज कर सकते हैं. वो सारी तीन चार लाइन्स हम आपकी लाइन्स की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी. After that comes the topic part that आप letter अपने friend को लिख क्यों रहे हैं. So इस part में आप बोलते हैं that it has been a long time since all of us have met. So I was thinking we could all meet up. अब यहाँ पर आप अपने letter का विषय बता रहे हैं कि किस विषय में आप letter लिख रहे हैं. I have planned to have a get together next month. I would love to discuss about it. तो अब इस पार्ट में आप डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं दैट ये एक आइडिया मुझे आया है एंड आई वुड लव टू डिस्कस इट. मैं इसमें तुम्हारी ओपिनियन जानना चाहूँगी. आफ्टर द टॉपिक पार्ट आती है हमारी बॉडी जिसमें आप अपने लेटर को एलैबोरेट करते हैं. इन दिस बॉडी पार्ट इट इज रिटन All of us could meet on Friday evening and stay over the weekend at a resort in Ibiza. The climate in Ibiza is great and it will be a good stress reliever. We could also go around the tourist spots if everyone is interested. If you are ready, we could talk to the others also. I will visit you next weekend to discuss more on this. So, इस पार्ट में आफ्टर आप स्टेट करते हैं कि आप किस विषय में लेटर लिख रहे हैं. आप बॉडी पे आते हैं, आप डिस्कस करते हैं जैसे कि इसमें डिस्कस किया गया था गेट टुगेदर के बारे में. तो किस जगह पे आप मिल रहे हैं, कौन से डेट रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, कौन कौन इस गेट टुगेदर में शामिल होंगे और आप इस गेट टुगेदर में क्या क्या चीज़ें करना पसंद करेंगे. After the body part comes conclusion. Conclusion में आप ये state करते, conclusion भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन line का होगा, उससे ज़्यादा की conclusion आप नहीं दे सकते. In conclusion you will conclude your letter that saying awaiting your reply and hope to meet you soon. कि आप receiver की reply की wait कर रहे हैं और उनसे जल्दी ही मिलने की आशा रखते हैं. इसमें आप hope word का भी use कर सकते हैं. After the conclusion, आप greeting देंगे that your loving sister or your loving अपना नाम देकर आप state करेंगे. ये था एक informal letter जो आपने अपने एक friend को लिखा था. So this is our second sample letter, writing a letter to your father asking for money to pay hostel fees. तो ये लेटर लिखी जा रही है अपने पापा को ताकि आप हॉस्टल की फ़ीस पे कर सकें. यहाँ हमने रेड में कर दिया है दैट द पर्सन दैट यू आर राइटिंग द लेटर इज़ योर फादर एंड द मेन टॉपिक ऑफ द लेटर इज़ मनी टू पे फॉर द हॉस्टल फ़ी. आप हॉस्टल फ़ी पे करने के लिए अपने पापा से पैसे मांग रहे हैं. एड्रेस यहाँ हमने तीन लाइन की दी है, कैलकटा गर्ल्स हॉस्टल नियर सेंटर चर्च कोलकाता 46. After that there is date 8/2/2023. Then dear dad, आप यहाँ पर dad, papa या फिर जो भी language में आप अपने father को state करते हैं वो language आप use कर सकते हैं. ये है हमारी starting point. How are you doing? How is mom doing? I'm doing rather well here. तो ये एक line में आपका introduction type का हुआ है कि papa आप कैसे हैं, आप मम्मी के और घर के भी हाल चाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ अपनी तबीयत भी बता रहे हैं that आप अच्छे से रह रहे हो. Studies are going well. My tests are coming up next week. I am getting ready for it. Teachers are also very helpful here. Now you are stating that what is going on in your life and in your hostel. आपके hostel में और आपके life में क्या चल रहा है, आपके teachers कैसे हैं, आपके test कैसे जा रहे हैं, कब से आपके test शुरू हो रहे हैं. ये हो गया आपका introduction part. After that the topic starts in this letter from the second paragraph. I just wanted to let you know that the warden has asked us to pay the hostel rent for this month. So इस line में आपने topic mention किया that why you are writing this letter to your father. आप अपने पापा को ये letter किस मकसद से लिख रहे हैं. The due date is Feb 15th. आपने due date बताई that इस time period के अंदर मुझे पैसे submit करने हैं और इसके अंदर ही आप अपने पापा से चाहते कि वो आपको पैसे भिजवा दें. And the rent for this month is ₹3,000. I would also need some money for my monthly expense. Could you please send ₹5,000 as soon as possible? ये बिल्कुल ही छोटा लेटर था जिसमें जस्ट आपने स्टेट किया कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस डेट से पहले आपको वो चीज़ें आप तक पहुँच जानी चाहिए. After that in the conclusion it is written only best wishes to you and your mother. आप इसे एंड भी वैसे ही करेंगे विथ लव और अपनी नाम स्टेट कर दे. तो ये था हमारा सेकेंड सैम्पल लेटर. आपको हमारी आने वाली वीडियो में
लेटर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और क्या किया जाता है, किस किस तरीके से आपको हर टॉपिक्स की, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, टॉपिक, कंक्लूजन, सभी की हम लोग 5-5, 6-6 लाइंस लिखा देंगे और उसे एक्सप्लेन करके वीडियोस बना देंगे, ताकि आपको लेटर लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप हमारे टॉपिक्स को और हमारे पैटर्न्स को फॉलो करेंगे तो अपने आने वाले एग्ज़ाम में आप आराम से 50-60% मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और आपको ये देखते रहना पड़ेगा कि किस टॉपिक के कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, कितने सारे पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को आपको सीक्वेंस में देखना होगा, तभी जाके आप प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रहेंगे और इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुँच सकेंगे। हमारे चैनल की तरफ से पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी सारी मुश्किलों को हम हल करें। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वेदर इट इज़ इंग्लिश, हिस्ट्री और वट एवर टॉपिक यू आर हैविंग एनी डाउट्स, आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल के टीचर्स आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाकर शेयर कर देंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको सब्सक्रिप्शन की कोई भी फीस नहीं लगती, ये बिल्कुल फ्री है।